बैंकों में नोटों की कमी को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, अब नोट पहुंचाने के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। प्रिंटिंग प्रेस में नोटों की खेप देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा रही है और सरकार ने 5 ग्लोब मास्टर से आरबीआई के मैसूर प्रिंटिंग केंद्र से देश के अलग अलग जोनल सेंटर में पैसे भिजवाए। तो वहीं 3 ग्लोब मास्टर की मदद लेकर नागपुर में आरबीआई के जोनल सेंटर पर नोट पहुंचाए गए। इसके अलावा रीजनल सेंटर तक पैसे पहुंचाने के लिए MI-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। सरकार का दावा है कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर सभी बैंक्स में पर्याप्त रकम पहुंचा दी जाएगी। संतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, नोटों के लिए परेशान लोगों के लिए राहत की खबर जरूर है। जी, देखिए, सरकार कोशिश जरूर कर रही है क्योंकि कदम बड़ा उठाया है सरकार ने और ये देश के इकोनॉमी के लिए बेहतरी को सोचते हुए ये कदम उठाया है और इसी कड़ी में लोगों को परेशानी बहुत झेलनी पड़ रही है। कई लोगों के यहाँ पे शादी है, कई लोगों को कई जगह ऐसा देखा जा रहा है, बैंकों में लाइनें लगी रहती हैं लेकिन बैंक में नोट खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे में सरकार ने ये फैसला किया कि एयरफोर्स का सबसे बड़ा जो मालवाहक विमान है ग्लोब मास्टर, उस ग्लोब मास्टर विमान को इसमें इस्तेमाल किया गया है क्योंकि मैसूर में जहां पर नोट की छपाई होती है वहां से अगर छोटे विमान से लाए जाते तो ज्यादा की संख्या में विमानों की आवाजाही होती, इसलिए सरकार ने सबसे बड़े अपने जो पास थे उस विमान का इस्तेमाल किया है और 5 ग्लोब मास्टर जो हमारे को सूत्रों से जानकारी मिली है कि मैसूर एयरपोर्ट से कल शाम को रवाना हुआ था देश के अलग अलग जोनल ऑफिस में, वहीं परसों शाम 3 ग्लोब मास्टर को वहां से नागपुर के नोट की छपाई केंद्र से एयरपोर्ट से उड़ान भरा था और उसके बाद जब रीजनल ऑफिस में ले जाने के लिए वहां पर MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश में जुटी है कि लोगों को कम से कम परेशानी हो, लोग इससे निकल पाए जो परेशानी उनको हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए संतोष आपका।